नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से पठान फिल्म और उसका गाना बेशरम रंग को लेकर जिस तरीके से विवाद देखा गया, और आज इस तमाम विवाद और पिक्चर के बैन के बाद आज आदित्य चोपड़ा के जो फिल्म के निर्माता है उनके दोस्त ने कहा है कि फिल्म से जो है वो बेशरम रंग गाना हटाया जाएगा, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। आज जिस तरीके से सनातनियों के द्वारा इस फिल्म का विरोध किया गया, बॉयकॉट की मांग की गई है, मेरे साथ तमाम लोग आप देख रहे होंगे कि ये भी धार्मिक लोग हैं और से बात करते हैं कि आज जो आदित्य चोपड़ा के दोस्त का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बेशरम रंग जो गाना है उसे हटा दिया जाएगा, कैसे देख रहे हैं सर आप? देखो, ये सनातन धर्म से हर बार खिलवाड़ करते रहते हैं, कोई ना कोई हिंदू धर्म के खिलाफ में ऐसी फिल्में लेके आते हैं जिससे ना हिंसा भड़कती है। ऐसा कर्म इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नई नई फिल्में कभी किसी को लाते। ऐसे पहले पद्मावती को भी लेकर आए तो वो भी गलत थी, अब इसको भगवा रंग को लेकर क्या रहे, ये भी गलत है। ऐसी फिल्मों पर बैन कर देना चाहिए, गाना हटाने से काम नहीं चलेगा। हमारी तो एक ही डिमांड है कि इस पूरी फिल्म को ही बैन कर देना चाहिए, बॉयकॉट करो सब चीज़ को, क्योंकि हिंदू धर्म भगवा रंग से हमारे से खिलवाड़ करोगे तो हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि आज हमें विप्र बंधु यहाँ पर एकत्रित हुए तो ये सब कुछ इससे खिलाफ है। ये कहा जा रहा है कि भगवा रंग तो एक कलर भी है, राजनीति क्यों की जा रही है? नहीं, भगवा रंग हमारे सनातन धर्म से हमारा प्रिय रंग है, हम इसको ऐसे थोड़ी होने देंगे, बदनाम नहीं होने देंगे। क्योंकि हर बार कोई ना कोई प्रोड्यूसर नई नई फिल्में लाते हैं, और जितनी भी फिल्में आती हैं ये केवल हमारे सनातन धर्म के खिलाफ आती है, और उसी पर ये ज़्यादा को पैसा ऐंठने के चक्कर में रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, फिल्म को इनको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। गाना हटाने से हमारी समस्या हल नहीं होगी, गाना हटने से समस्या थोड़ी हल होगी, वो तो फिल्म को ही बैन करना चाहिए। हाँ, कहा जा रहा है शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान। देखो, मुसलमान से कुछ नहीं, हमारा किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमारा केवल ये कि हमारे धर्म को बदनाम ना करें, बस हम इसी विषय। बॉलीवुड में शुरुआत से इस तरीके की चीजें होती आई हैं, और आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ गाने को हटा देंगे, तो किस तरीके से देख रहे हैं इस डर को, क्योंकि जनता ने कहा? हम इस विषय में कुछ नहीं, हम तो ये कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म को बदनाम ना करें और इस फिल्म को बैन कर दें, इसी से सबको लाभ होगा। अदरवाइज हिंसा बढ़ती है तो गलत है ना ऐसा कार्य करना, एक एक सही एक जाति को स्पेशल टारगेट करना भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शाहरुख खान के बारे में क्या कहेंगे आप लगातार? भाई देखो, वो तो अभिनेता है, उनके बारे में क्या कहेंगे, वो तो अच्छी फिल्म कैसी वो तो करते रहते हैं, उनके बारे में हम क्या कहें। उन्होंने भी ये सोचना चाहिए ना, एक एक धर्म के खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपिका पादुकोण JNU गई थी, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास गई थी, उसको लेकर भी विरोध देखा जा रहा है, गलत है, उनको ऐसा करना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना एक एक छवि खराब होती है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंकल भैया बताइए, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फिल्म को इस फिल्म को ही बैन कर देना चाहिए? हाँ जी, क्योंकि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। हाँ जी, हाँ जी, ये बता आप बता। ये इस फिल्म को ही बैन कर देना चाहिए, ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, बायकॉट करो इस फिल्म को पूरी। धर्म का साधु संतों का ये भगवा कलर रहा है तो ऐसी ना वो करें। ऐसे पी के फिल्म भी बनाई थी, उस पर भी ब्राह्मणों के बारे में अभिज्ञा की गई थी, देवताओं के बारे में, हमारे उसके बारे में झूठ पाखंड वो करके, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, प्रोड्यूसरों को और अभिनेताओं को ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए। जैसे पहले भी ऐसी फिल्में बनती थी तो अब जाके विरोध क्यों? नहीं, पहले फिल्में कहाँ बनी है ऐसी फिल्में, पहले किसी के खिलाफ नहीं बनती थी ना, अब तो साफ दिखाते हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ है, तो ऐसे नहीं बननी चाहिए फिल्में। अब तो ये बिल्कुल असली चीज़ें दिखाने लग गए ना फिल्मों में, पहले तो साफ बनती थी फिल्में भी, लोग देखते थे भी, फैमिली के साथ भी देखते थे, अब तो फैमिली के साथ में बैठ के नहीं देख सकते ना इस फिल्म को, बिल्कुल इतना बेशरम फिल्म बनाई है पूरी, इस पूरी फिल्म का बायकॉट करो। ये कह रहे हैं कि बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण ने और भी कलर पहने थे, भगवा रंग को लेकर आपत्ति? भगवा कलर हमारा पवित्र कलर है, हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में भगवा कलर को हम बड़ा पवित्र कलर मानते हैं, इसको इसलिए हम इसका बायकॉट करना चाहते हैं। हाँ, कोई भी तो कलर ले सकते थे, और कोई भी तो कलर ले सकते थे, तो ये तो डायरेक्ट टारगेट किया गया सीधा सीधा भगवा कलर को, मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा को नहीं, डायरेक्ट क्लियर किया गया है, भगवा कलर को टारगेट किया गया है, बस और कुछ नहीं है इसमें, पूरी फिल्म को बायकॉट करो। हाँ, शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए उनकी फिल्म को, हमने उससे कोई नहीं, अब आगे भी उनके पहले भी तो बहुत 25 साल से हैं वो फिल्म बॉलीवुड में, तो आगे भी तो उनकी कई फिल्म आई, तब तो कुछ हुआ नहीं, अभी इसी फिल्म को लेके क्यों हो रहा है, पहले भी तो लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई पर शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप नहीं। अरे पूरी फ्लॉप होगी, देख लेने वाले थे हम भी नहीं है और वो भी नहीं है, पूरी फिल्म बंद होगी। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा जो अगर अच्छा सनातनी धर्मी होगा आदमी वो इस फिल्म को नहीं देखेगा। फिल्म में से गाना काटा जा रहा है तो क्या फिल्म चलेगी या जनता का जो आक्रोश? चलेगी, नहीं चलेगी, बायकॉट करेंगे, कोई भी हम नहीं, हमारे हिंदू धर्म का कोई भी भाई इस फिल्म को नहीं देखेगा।
क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म के जो चीज़ खिलाफ होती है ना, तो हम नहीं करना चाहिए और वो नहीं देखना चाहिए। हाँ, तमाम जो धार्मिक संगठन है वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन फिल्म रिलीज होगी उतना हम हॉलों में आग लगा देंगे। नहीं, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हॉलों में आग लगाना हमारे हमारी अखंडता को खिलवाड़ है। परंतु हम तो ये कि हम फिल्म देखेंगे नहीं तो चलेगी कहाँ से। हम हिंदू धर्म में कोई उस फिल्म को देखने नहीं जाएगा तो कैसे वो आगे बढ़ेगी। हम नहीं तो देखने जाएंगे। एक साथ में है सब हिंदू धर्म, एक साथ में है सब हिंदू, एक साथ में है। और तो अब इस फिल्म का हम बॉयकॉट करते हैं, सभी लोग मिलकर फिल्म को बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि हम धार्मिक लोगों के खिलाफ नहीं ज़्यादा बोलना चाहते, क्योंकि हम हिंदू समाज के लोग हैं, हम अपने समाज में कोई आश नहीं आने देंगे। शाहरुख खान मुसलमान है इसीलिए टारगेट किया? नहीं, हमारा ना शाहरुख खान से कोई धार्मिक दुश्मनी है, वैसी दुश्मनी कोई, बस जो सही काम करेगा उसका सपोर्ट करेंगे हम। ये कह रहे हैं कि भगवा एक रंग भी है, ऑरेंज रंग भी है, तमाम और लोगों ने भी पहना, अक्षय कुमार की हीरोइन पहनती है तो दिक्कत नहीं होती, दीपिका पादुकोण पहन रही है, शाहरुख खान से दिक्कत है, शाहरुख खान मुसलमान? नहीं, हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि शाहरुख खान को हम टारगेट कर रहे हैं, जो गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। गलत के खिलाफ आवाज़ तो उठाना हमारा जायज़ बनता है। क्या कहें, कहा जा रहा है कि शाहरुख खान जो है वो भारत को कभी पैसे नहीं देते हैं, पाकिस्तान में बाढ़ आने पे। इस विषय में तो देखो, ये तो अपनी एक राजनीति की बात हो जाती है, बाकी हम सनातन धर्म के खिलाफ जो चीज़ हो रही है ना उसके खिलाफ है, बाकी तो ये संस्थाओं का काम है पैसे नहीं देना लेना, ये तो अपना नेता ये तो देखो उनके खुद की पता है, हर नेता ने हर एक इंसान ने सबकी मदद की है। वो तो स्पेशली शाहरुख खान को ये सोचना चाहिए ना, भारत अपना सब देश अपना सबका है, उनको भी मदद करनी चाहिए। बताइए, इतने सालों से फिल्में बनती आ रही हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, उसको लेकर आज तक आवाज़ नहीं उठाई गई है, पर आज जो जनता है वो इतनी जागरूक है कि हर छोटी चीज़ को लेकर आवाज़। मैं देखो, सभी अपने अपने धर्मों के खिलाफ, सभी अपने अपने धर्मों को ध्यान दे रहते हैं, तो अभी हमें यार हिंदू धर्म सनातन धर्म जागे है, और जागने के बाद में ऐसी कोई हमारे धर्म के हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी बात होती है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। फ्लॉप होगी, बिल्कुल फ्लॉप होगी, नहीं चलेगी। डर के बारे में क्या कहेंगे, पहले कहा जा रहा था कि कुछ भी रिमूव नहीं होगा, मतलब जिस तरीके से चीज़ें बॉलीवुड के कुछ कलाकार आगे कह रहे थे कि राजनीति हो रही है, पर आज ये सब खबरें सामने आ रही हैं कि वो गाना रिमूव करने के लिए मान गए। नहीं, रिमूव नहीं, फिल्म को बंद करो ना, फिल्म को दूसरे को और बड़ी अच्छी फिल्म बनाओ, इसको जरूरी हिंदू धर्म के खिलाफ सनातन धर्म के खिलाफ ही बनाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है गाना रिमूव करने से फिल्म चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यही कि सनातन धर्म को टारगेट किया गया, सीधा सीधा किया गया, इसमें कोई वो नहीं है, और ये फिल्म बिल्कुल नहीं चलेगी। आपका क्या लग रहा है कि जिस तरीके से फिल्म में से गाना रिमूव किया गया, नहीं चलेगी? ये 101% नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्या क्यों नहीं चलेगी? हमारे सनातन धर्म को इन्होंने टारगेट किया है, हमारे जो साधु संत हैं उनका भगवा कलर और हमारा ये प्रिय कलर है, इसके खिलाफ अगर आप करोगे तो ये नहीं चलती। क्या कहेंगे? नहीं चलेगी, नहीं। सनातनी धर्म के लोग अपना अपमान नहीं सहन करेंगे, नहीं लोगों ने कहा नहीं सहन करेंगे। ये बताइए, भगवा जो गाना है वो हटा दिया गया पठान में से, बेशरम रंग, तो क्या शाहरुख खान की फिल्म चलेगी या नहीं? नहीं। क्यों नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, भगवा कलर के ऊपर कहते हैं, गलत भी गलत लगता है सबको, इस वजह से। भगवा क्या, वो तो ऑरेंज कलर भी है, कलर भी है, राजनीति अब तो मना कर रहे हैं ना उस चीज़ के लिए। क्या कहेंगे बॉलीवुड के बारे में जिस तरीके से चीज़ें, गलत है जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो भी है दिख रहा है पहले से, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामने दिखता है, अब तो बिल्कुल खोल के दिखाने लगे हैं, ये चीज़ गलत है। कहा जा रहा है कि पहले भी तो और भी फिल्म अदाकारों ने पहने, तो आज दीपिका पादुकोण को लेकर दिक्कत? तो पहले ऐसा भी तो नहीं होता था ना, मतलब अब तो रियल में मतलब फैमिली के साथ देखना चाहो तो देख भी नहीं पाओगे ना, फैमिली के साथ जैसे बहन बेटी है, जैसे पहले साथ में सब चीज़ देख लेते थे, अब क्यों नहीं देख पा रहे? शाहरुख खान मुसलमान है इसीलिए टारगेट किया जा रहा है? ऐसा नहीं है, शाहरुख खान पहले से नहीं थे क्या? पहले से भी थे, उनसे उनसे कोई विरोध नहीं है। मेरा कहा है कि उनसे कोई विरोध नहीं है, पर जिस तरीके से आज बॉलीवुड में अश्लीलता परोसी जा रही है, कभी धर्मों को टारगेट किया जा रहा है, सनातन को आहत किया जा रहा है, और बॉलीवुड की तमाम इस तरीके की पहले भी फिल्में आई हैं जिसको लेकर विरोध हुआ है, और फिल्में फ्लॉप भी साबित हुई हैं, और उसका बड़ा एग्जाम्पल है लाल सिंह चड्ढा।
और आज अगर उसी हालात से बचाने के लिए पठान में से कुछ गाने रिमूव किए जा रहे हैं या फिर खबरें आ रही हैं। खैर ये तो आदित्य चोपड़ा के दोस्त ने बात कही है, देखना ये भी अहम रहेगा कि फिल्म से गाना रिमूव होगा या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उनके दोस्त ने कहा है कि हाँ हम रिस्क नहीं लेंगे और गाना रिमूव करेंगे, इस पूरे मामले पर भी देखना अहम रहेगा। क्योंकि जनता तो कह रही है कि गाना रिमूव करने से फिल्म सुपर हिट या फिर हिट साबित नहीं होगी, क्योंकि फिल्म को ही बैन कर देना चाहिए, वो अपने उनके अलग कारण हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।